हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 तारीख है, 7वां महीना 2023, और 2:33 हो रहे हैं। तो कल की हमारी सबसे बेहतरीन जो ट्रेड गई है वो ये गोल्ड की गई है। ये एरिया मैंने मार्क किया था, आप जाके देख सकते हैं। कल वाला एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पर किस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है और ये वाला एरिया हमारे लिए क्यों बेहतर रहेगा। और यहाँ देखिए, मार्केट ने स्नाइपर एंट्री ली है, अगेन मार्केट ने टेस्ट किया है इस एरिया को और मार्केट नीचे की तरफ गई है। इवन मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन भी की है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त जो ये हमारा एरिया रहा है, इसको करते हैं रिमूव, देख लेते हैं ज़रा सेंटिमेंट। ठीक है जी, बाय के अंदर है, आप देख सकते हैं मार्केट इज स्टिल। लेकिन यहां पे मार्केट ने क्या किया है, मैनिपुलेशन किया है यहां पर भी, ठीक है। दूसरी जगह भी देख लेते हैं, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे भी मार्केट जो है वो बुलिश साइन दे रही है, मतलब इनके जो साइन है वो बुलिश है, सेंटिमेंट यहाँ पर शॉर्ट के दिखा रही है मार्केट, और यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो बाय का है, ठीक है। तो इनमें तजाद रहता है, इसलिए इन पे सिर्फ इतना ज़्यादा फोकस यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास एक तो एरिया है, एक मिनट, मेरा टूल कहाँ गया, एक हमारे पास एरिया है ये वाला, ठीक है। अब यहां पे मार्केट इसको एज इंड्यूसमेंट लेगी और ये वाला एरिया जो है हमारा पिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चांसेस और है कि मार्केट अभी इस एरिया को टेस्ट कर रही है, ठीक है, यहीं से मार्केट ऊपर जा सकती है, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं कि मार्केट इस तरह का बिहेवियर कोई करे। सेलिंग के फिलहाल अभी यहाँ पे कोई चांसेस मौजूद नहीं है, कोई ऐसा एरिया मौजूद नहीं है जहाँ पे इजीली हम कॉन्फिडेंस के साथ सेल कर सकें, ठीक है। तो हम इस एरिया के साथ जाएंगे, यहाँ तक का वेट करेंगे, अदरवाइज ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट इस शेडो से इसको टेस्ट करके इस एरिया को अगेन मार्केट अपने रेंज के अंदर आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट पॉइंट था ये वाला हमारा सप्लाई का, वो मार्केट अब टेस्ट कर चुकी है। अब इसके अंदर ट्रेड करना ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, अनलेस मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाए। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है मार्केट, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मार्केट टेस्ट कर लेगी और जो रेंजिंग पीरियड है मार्केट का वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तब ये वाला एरिया एक्टिव हो सकता है, लेकिन अगेन ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, आप यहां देख सकते हैं मार्केट ने सेम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई हुई, तो यहां पे सप्लाई मार्क करना बिल्कुल तुक से, कोई तुक नहीं बनता इसका। यहां पर हमारे पास एरिया मौजूद है, बहुत अच्छा एरिया है, 1945.63, इसको आप मार्क कर लें। और अभी हम फिलहाल इसी की तरफ रहेंगे, क्योंकि मार्केट इसी को यहां तक आए तब हम इसको देखें, तो बिला वजह ट्रेड में आप ना घुसें। जिस तरीके से हमें यहाँ ट्रेड मिली 2-3 बार अच्छी, इसी तरीके से वेट करेंगे और ट्रेड हमें यहाँ पर इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। जीबी यूएसडी का हमने ये एरिया मार्क किया, मार्केट यहाँ पर नहीं आई, लेकिन यहाँ पे एक एरिया और है, बड़ा प्यारा एरिया है। अगर हम सेंटीमेंट की बात करें, स्टिल ये बुलिश है, यहाँ पर भी बुलिश है, लेकिन अब ये
थोड़ा सा सेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हम देखेंगे कि पीर वाले दिन खुलेगी मार्केट, तो आप थोड़ा सा इसका सेल की तरफ झुकाव जो है देखेंगे। यहाँ पे एक एरिया मार्केट ने लीव किया है जिसे मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। मार्केट ने देखें यहाँ पे क्या किया है, एक तो इक्वल हाई यहाँ पे क्रिएट कर दिया मार्केट ने, जो कि खतरा है, लेकिन मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पे लिक्विडेट किया, ठीक है, और मार्केट ने एक ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक लीव किया है। यहाँ तक मार्केट इसको फिल कर चुकी है, स्टिल यहाँ तक इम्बेलेंस इसमें मौजूद है, तो ये वाला एरिया स्टिल वैलिड है। मार्केट जो है वो यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे मार्केट ने एज इंड्यूसमेंट यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से हमें सेल मिल सकती है, लेकिन एसएल एंटिंग भी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि ऊपर इक्वल हाइज है, ठीक है। स्टिल ये वाला एरिया हमारा वैलिड रहेगा, दिस एरिया विल रिमेन वैलिड, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ये मेन एरिया इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई हम तब्दीली यहाँ पर नहीं कर रहे। यूरो यूएसडी की बात करें तो मार्केट अभी फिलहाल हम नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। मार्केट ने ना ऊपर ब्रेक किया है ना ही नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और ऊपर भी मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट कर लिया है। जो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी इसको मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। अभी मार्केट स्टिल नो ट्रेडिंग जोन में है, मार्केट अभी तक जो है वो इसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। ये ब्रेक करेगी हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से हमें कोई ना कोई सिचुएशन मिले ताकि हम इसको बाय कर सकें। फिलहाल मार्केट ने कोई ट्रेंड चेंजिंग भी इस तरीके से जो है वो नहीं की है, तो अभी हम बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, इसी की तरफ चलेंगे। पीर वाले दिन खुलेगी मार्केट, तब हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या रहता है मार्केट का, वॉल्यूम से मुराद ये जो कैंडल स्टिकिंग क्या कहती हैं हमें, तब हम उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। फिलहाल हमारे पास एक क्वालिटी एरिया यही वाला मौजूद है, यहीं पर इसको देखेंगे हम, और ऊपर जो सप्लाई है यहाँ तक हम इसको बाय ही हमें रखना है, अनलेस अनटिल मार्केट जो सेंटिमेंट है वो लूज कर जाए या फिर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसा कर जाए जिससे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्लियर हो सके, ठीक है। यूरो जेपीवाई देख लेते हैं, अच्छा ये भी बाय के अंदर है, और हम देखते हैं इसका कि ये क्या हो रहा है। इसके अंदर वही सेम सीन, हायर हाई लोअर हाई एंड हायर हाई एंड लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट अगेन एक अपने इस हायर हाई को ब्रेक करने जा रही है, क्लोजिंग आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हुई है मार्केट की। एच वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई क्या हर्डल है हमारे पास वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसा कोई ऐसा एरिया नहीं है, थोड़ी बहुत यहाँ पे ये हर्डल बन सकती है, ये सप्लाई इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी एक हर्डल क्रिएट हो सकती है कि मार्केट एक जरूरी है मार्केट एक लंबा शिफ्ट है नीचे की तरफ। अगर हम बाय की बात करें तो हमारे पास मार्केट ने यहाँ पे किया है मैनिपुलेशन, ठीक है, ये शो करवाया कि मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक भी किया इवन, लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली अगली उसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, ठीक है, सेकेंड कैंडल में। तो ये वाला जो एरिया है हमारे लिए ये वैलिड हो चुका है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक लिक्विडिटी स्वीप इसको कहेंगे, यहाँ मार्क कर देते हैं। लिक्विडिटी स्वीप स्टिल ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, और ये प्राइस हमारी रहेगी 154.70, ठीक है।
इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, मार्केट यहीं से आ सकती है या यहाँ से भी टच करके आया तब भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो SL जो रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया है, मैंने सिर्फ इसको मार्क किया, ये एरिया जो है ये पूरा है, जो इसका SL रहेगा वो इस कैंडल के नीचे ही रहेगा। ठीक है, एक आखिरी पेयर हम कर लेते हैं, कौन सा करें, USDJPY कर लेते हैं। ब्रेकर ब्लॉक था ये हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है जरा इसको इन डिटेल देखते हैं। अच्छा जी, लगे सर आते कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी अपने इस हाई को, और मार्केट ने यहाँ पे अगर करेक्शन वे के अंदर बात करें, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मार्केट ने बनाया। इवेंचुअली मार्केट ने ये लेस प्रोबेबिलिटी जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो यहाँ पे किया, इवन मार्केट ने जो स्विंग लो है इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, दो हायर हाई के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो स्विंग लो होता है, इसको भी मार्केट ने किया। डायरेक्ट H1 में आते हैं, H1 में हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है, ये हमारा रहेगा सप्लाई एरिया। ठीक है, हम इसके नीचे ढूंढते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में ऊपर क्या क्या अवेलेबल है, क्या मार्केट यहाँ पे करती हुई आई है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते रहे यहाँ पर, तो अपना टूल ले लेते हैं हम और इसको कर लेते हैं लॉक। ठीक है, सबसे पहले मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया, अगर यहाँ की बात करें इस कैंडल की, छोटी सी कैंडल की, तो मार्केट ने इस एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया। यहाँ की बात करें तो मार्केट ने यहाँ से इसको टेस्ट किया। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास स्टिल फ्री है। ठीक है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी एक इस स्ट्रक्चर में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, थोड़ा बहुत मामूली सा मौजूद है, बल्कि आई थिंक नहीं है, हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप हमारे पास नहीं है। मार्केट ने स्टिल इसको टेस्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी जो है वह स्वीप की, मार्केट ने इसको भी टेस्ट किया, और मार्केट ने यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो हमें लग गया कि मार्केट का हमें अंदाजा हो गया कि मार्केट क्या करती हुई यहां पर आई है। एक पूरे प्राइजेशन के साथ मार्केट यहां पर आई है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास ये वाला जो एरिया है स्टिल वैलिड है, इसको हम मार्क कर देते हैं इन केस मार्केट अगर ऊपर ज्यादा उठती है तो। यहां मार्केट ने क्या किया है, इस पूरे एरिया को लिक्विडिटी स्वीप किया है, अगर ये अच्छी एक डिमांड से उठी है तो हमारे पास अच्छा हो जाएगा। हाँ, उठी तो डिमांड से ही है मार्केट, वरना ये फेक हमारे लिए काउंट होता है AMD। ठीक है, वही हमारा बेहतरीन स्ट्रक्चर है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली ये जो लास्ट कैंडल है, अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी लास्ट कैंडल की, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नहीं है, मार्केट ने डीपली इसको टेस्ट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इवन अगर हम इसको ब्रेकर ब्लॉक को ही मार्क करें तब भी सही रहेगा ये। ठीक है, तो हम इसको मार्क करेंगे फॉर द बाय एंट्री, यहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है, 138.155। ठीक है, 137.944।
इस एरिया को आप मार्क कर लीजिएगा। अगर यहाँ से हमें बाय की एंट्री मिलती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होती है पीर वाले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।